सीरियल उडारिया की बात करें तो आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि तेजो अपने रूम में नहीं सो पाती है, रूम से बहुत तेज बदबू आ रही है और जैस्मीन ये देखकर बहुत खुश है। आखिरकार जैस्मीन ने ही तो ये सब किया है, क्योंकि जैस्मीन ने ये सोचा कि सबकी नजर में तेजो बहुत अच्छी बनती है ना, उसने मुझे रूम से निकाला है ना और अब मैं उसे रूम से निकालूंगी। और उसने किसी से एक बक्से में कुछ मंगवा के, एक छोटे से गिफ्ट पैक में कुछ मंगवा के बदबू भरी चीजें उसको बड़े अच्छे से प्लेस कर दिया है तेजो के रूम में। कोई समझ ही नहीं पाएगा कि एक प्यारे से डब्बे के अंदर कुछ बदबू भरा चीज है। हालांकि रात में तेजो अपने रूम में तो सो नहीं पाती है, वो आती है बाहर ड्राइंग रूम में सोने के लिए तो फतेह सामने सोया होता है दूसरे सोफे पर। उसके सामने वाले सोफे पर तेजो सो जाती है। आधी रात में जब फतेह की नींद खुलती है तो वो तेजो को देखता है और सोचता है तेजो यहाँ क्यों सो रही है। तब वो तेजो को देखता है कांपते हुए, वो सोचता है कहीं तेजो को बुखार तो नहीं है, कहीं फीवर तो नहीं है, इसलिए वो तेजो के सर को छूता है लेकिन फीवर नहीं होता है। और फिर जिस चादर को फतेह लिया होता है उस चादर को उड़ा देता है तेजो को। अब आपको बताते चले कि तेजो सुबह जब उठती है तो उसके पहले सब कोई वहाँ पर पहुँच जाते हैं और तेजो किस तरीके से ड्राइंग रूम में सोया देख आश्चर्यचकित होते हैं और सब पूछते हैं कि तेजो तुम यहाँ क्यों सो रही हो। फिर तेजो बताती है कि उसके रूम से बहुत तेज बदबू आ रही है। सब जाते हैं, देखते हैं तो सचमुच बहुत तेज बदबू आ रही है। अब जो है सफाई वाले को बुलाया जाता है, पूरे रूम की सफाई हो जाती है, सब कुछ प्लम्बर आता है, नाला चेक हो जाता है, सब कुछ हो गया है, लेकिन किसी को नहीं मालूम चल पा रहा है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। अंत में ये अब डिसाइड किया गया है कि दीवारें तुड़वानी पड़ेगी। अब जो है जैस्मीन बहुत खुश है ये सब सुनकर। अब जब दीवार टूटेगी तो भला तेजो कहाँ रहेगी। सब कोई कहते हैं कि तेजो मेरे रूम में रहेगी, कोई कहता है मेरे रूम में रहेगी, लेकिन यहाँ तेजो डिसाइड करती है कि 2-3 दिन के लिए वो अपने पापा मम्मी के पास जाएगी। पापा मम्मी भी आए हुए हैं ससुराल तेजो के गणेश विसर्जन के मौके पर। गणेश विसर्जन का भी मौका है और घर बहुत अच्छे से तेजो ने सजाया है, रंगोली भी उसने बनाया है। और यहाँ जैस्मीन वही साड़ी पहनती है जो साड़ी आपको याद होगा तेजो पहली बार पहनी थी और फतेह गुस्से में आकर उसके साड़ी पर पानी फेंक दिया था, वो साड़ी जो फतेह ने जैस्मीन के लिए लिया था। अब जब जैस्मीन जिद करती है कि मुझे नई साड़ी दिला दो, नए कपड़े दिला दो, तो फतेह वही साड़ी ले जाकर जैस्मीन को दे देता है। अब आपको बताते चले कि वो साड़ी पहनकर जैस्मीन बड़ी खुश हो जाती है और तेजो के सामने आती है। तेजो देखती है तो वो चुप रहती है, कुछ बोलती नहीं है। तब जैस्मीन कहती है, क्यों मेरी खूबसूरती को तुमने देखा, मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ, मैं हूँ ही इतनी खूबसूरत और फतेह ने मुझे ये साड़ी गिफ्ट में दिया। अब आपको बताते चले कि ये सब सुनने के बाद कुछ भी नहीं बोलती है तेजो। और जब जैस्मीन कहती है कि अब तुम कैसे रहोगे रूम में, रूम तो तुम्हारा टूटने वाला है और फिर 2-3 दिन के लिए मम्मी पापा के पास जा रही हो। आपको बताते चले कि यहाँ पर जो है जैस्मीन बहुत खुश होती है। तेजो कहती है कि जैस्मीन इतना खुश मत हो, तुमने जो किया है ना मुझे मालूम है, ये शरारत, ये बदमाशी किसकी है, और जिस दिन मुझे पुख्ता सबूत मिल गया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब देखना दिलचस्प होता है कि अब तेजो 2-3 दिन के लिए तो मम्मी पापा के पास चली जाएगी और इस 2-3 दिन में जैस्मीन क्या करती है।